मानसिक रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक रूप से जूझ रहे लोगों की काउंसलिंग करने के लिए काउंसलर की व्यवस्था की गई है, जिसमें हर प्रकार के मानसिक रोग के मरीज को उपचार दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर ज्ञानेन्द्र वर्मा ने दी। ये जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ये भारत सरकार के द्वारा संचालित कार्यक्रम है, और इसके अंतर्गत जो है ना डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और आपकी जो है ना नेशनल गवर्नमेंट है, राष्ट्रीय सरकार है, उसके द्वारा संपादित किया जाता है। इसमें जो बेसिकली क्या होता है कि जो भी मानसिक रोग हैं, जो गंभीर मानसिक रोग हैं, जिनके प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है, उनको जागरूक करना, स्पेशलिस्ट जो एक मानसिक रोग विशेषज्ञ उसकी तैनाती करना, और इसके अलावा जो MBBS डॉक्टर हैं उनकी एक महीने की ना ट्रेनिंग दे के जो गांव के क्षेत्रों में उनको भी मेंटल जो बीमारियां उनके प्रति जागरूक करना और उनका जो ना ट्रीटमेंट है उसके लिए प्रेरित करना, ये मुख्य है।